हो रहा चो हे तुम रुको फाइल वापस करो ओहो ये नया टीचर अभी तक क्यों नहीं आया ओ आखिर तुम आ ही गए चलो अब जल्दी करो बच्चे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम्हें उन्हें मैथ्स पढ़ाना है चलो सब ये सम्स मुझे सॉल्व करके दिखाओ ये हमें इतने इजी सम्स क्यों दे रहे हैं इन्हें तो हमें डिविजन देना चाहिए ना जो भी बात कर रहे हैं मैं उनका नाम लिखकर प्रिंसिपल सर को बताऊंगा सर क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ ये तो आर्य साइंस सेंटर की कोई सीक्रेट फाइल लग रही है बच्चों चलो सब ब्रेक के लिए जाओ क्लास खत्म हो गई है मुसीबत राजू अच्छा हुआ तुमने फोन किया किसी चोर ने आर्य साइंस सेंटर से एक सीक्रेट फाइल चुराई है हम उसका पीछा कर रहे थे पर वो कहीं निकल गया खन्ना अंकल वो हमारे स्कूल में ही है क्या हम अभी आते हैं इस चोर को पकड़ना होगा माइटी बनने का वक्त आ गया रुको रुक जाओ उलट तुम्हारा खेल खत्म छोड़ो मुझे उस लड़की को छोड़ दो उलट अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो माइटी बूम टाइम हाय मुसीबत माइटी कहाँ गया और जूली कहाँ है हेलो ड्राइवर अंकल पता है दोस्तों आज शायद फील्ड ट्रिप होगी वाह फील्ड ट्रिप तब तो बढ़िया है तुम्हें कैसे पता जूली कल मैंने मैडम को प्रिंसिपल सर से ट्रिप के बारे में पूछते हुए सुना था अच्छा है सब मिलकर मस्ती करेंगे मुझे भी मस्ती बड़ी अच्छी लगती है किस तरह की मस्ती वो हम सबको बता है चाली राजू के बच्चे खोल दू तेरे हीरोगिरी का पोल है? उफ, ये चार्ली तो मेरे माइटी होने की पोल खोलने पर तुला है हाँ हाँ बता दो आखिर एक जीरो को ही तो एक हीरो की अच्छी पहचान होगी क्या बुलाया तुमने मुझे चार्ली बच्चों आशा करती हूँ कि आप सब घर से अपना परमिशन स्लिप लाए हैं जी मैडम वेरी गुड चिकी आर्य नगर किले के बारे में डिटेल्स इकट्ठा करो जल्दी ठीक है राजू अभी करती हूँ ये आर्य नगर का सबसे पुराना किला है सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग जगह लग रही है तभी तो वहाँ हमें पिकनिक के लिए लेके जा रहे हैं पिकनिक यहाँ डेंजरस है क्यों कुछ महीनों पहले यहाँ से पहरेदार बुलबुल अचानक गायब हो गया
लोग कहते हैं कि अब उसका भूत यहाँ पर घूमता है, और कुछ ने तो उस भूत को देखा भी है। ये तो भूत के बिना ही डरावना लग रहा है। अगर हम डर रहे हैं तो सोचो दूसरों का क्या हाल होता होगा। ये तो बात सही है। अब तो डरने से काम नहीं बनेगा। ये तो बस लेजर प्रोजेक्शन है। हाँ, पर ये कर कौन रहा है? अभी पता लगाते हैं। यहाँ तो सिर्फ एक प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर को चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए मूवी, या इसे भी कोई भूत चला रहा है? पहले कमिश्नर खन्ना को सिग्नल भेज देता हूँ। ए, कौन हो तुम? हिम्मत है तो सामने आओ। माइटी राजू का अलर्ट पुराने किले से, वहाँ तो भूत के होने की खबरें हैं। कौन हो तुम? मैं तो बस एक हथियार बनाने वाला साइंटिस्ट हूँ। कुछ नए हथियार बनाए हैं मैंने, जिनका टेस्ट करना चाहता हूँ, वो भी आर्य नगर पे। ये तो खतरनाक रेडिएशन छोड़ती है। कैसा लगा मेरा जादू? इन सब के हाथों में मेरे बनाए हुए इनविजिबल बैंड्स लगे हुए हैं। तुम अकेले ही भूत से निपट आए माइटी राजू। भूत नहीं खन्ना अंकल, यहाँ का पहरेदार गुलबुल। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा बेवकूफ बच्चे। स्पेसशिप के प्रदर्शन में माइटी राजू चीफ गेस्ट बन के आए। माइटी राजू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे बुलाऊंगी स्पेसशिप के उद्घाटन के लिए। जूली, माइटी राजू तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? तुम उसे संडे को आने को कह दो। डैड, पक्का कह दूंगी। बताओ ना, माइटी राजू तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कैसे बना? राजू, वो मैंने कल मैंने जोश में डैड को
का स्वागत है। स्वागत कीजिए आर्यनगर अंतरिक्ष कार्यक्रम के हमारे नायक और वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामी का। आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि सुपर हीरो माइटी राजू आज हमारे स्पेसशिप का उद्घाटन करने अभी कुछ ही देर में यहाँ आएंगे। प्लीज राजू मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। जूली डरो मत, माइटी राजू है ना तुम्हारे साथ। तो मैंने सोचा ही नहीं था कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब तुम्हारी मदद चाहिए, तुम भीड़ में गायब हो जाओ और कुछ देर बाद जूली को मिल जाना। जाओ। अरे ये मूवी पता नहीं कहाँ गायब है। जूली चलो उसको ढूंढते हैं। गोभी चलो। चार्ली वो इनाम है उनके लिए जो इस खेल में जीतते हैं। कौन से? इस जोकर वाले गेम में? तुम 3 बार गेंद फेंक कर कोशिश कर सकते हो, ये लो। मैं तो एक ही बार में गिरा दूंगा। आउच, मुझे नहीं क्लाउन को मारना है चार्ली। तुम सामने आओगे तो यही होगा। अब हटो। अब सुनो, जैसे ही मैं बॉल फेंकने जाऊंगा तुम किसी तरह सबका ध्यान बटा देना ताकि मैं झट से पास जाकर जोकर को आसानी से गिरा सकूं। मुझे लगता है ये कोई शरारत करने वाला है। चलो मूवी। वो क्या था? कुछ भी होने दो, जाओ। अब देखना मेरा निशाना कितना खतरनाक है। अच्छा तो वो उस रबर के सांप से सबका ध्यान बटाना चाहता है ताकि चार्ली धोखे से जीत सके। अभी चखाता हूँ मजा। टिकटॉक मैं ट्रैक को ऑन करो। मेरी आँख और नाक। सही कहा था, तुम्हारा निशाना काफी खतरनाक है तुम्हारे लिए। तुमने कुछ किया है क्यों राजू? पर मैं तो यहाँ कितनी दूर खड़ा हूँ। ज्यादा होशियार मत बनो, समझे? वरना आज थोड़ा बिजी हूँ, कल समझा देना, ठीक है? बाय बाय। छोटे भाई सैम के लिए।
रक्षाबंधन है ना, वो मुझसे मिलने आ रहा है। राखी बनाने के बाद तो मुझे जाकर चॉकलेट्स भी खरीदनी है। ओ वाओ, क्या ये है तुम्हारा भाई सैम? हाँ, मैंने ये फोटो फ्रेम उसी के लिए बनाई है। मैं चॉकलेट्स के साथ उसे ये भी दूंगी। बहुत ही प्यारा है। वो तारा नगर में रहता है, कल सुबह की ट्रेन से यहाँ आ रहा है। तुम्हें पता है वो भी मेरी तरह माइटी राजू का बहुत बड़ा फैन है। अच्छा, और इस राखी का क्या करोगी? मैंने सोचा था इस साल मैं अपने हाथों से राखी बनाऊंगी, पर लगता है हमेशा की तरह मुझे राखी खरीदनी ही पड़ेगी। हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे, तो राखी छोड़ो सुपर राखी बन जाएगी। राखी मुझे पहननी है तो मेरी पसंद की होनी चाहिए ना। ठीक है, लो तुम्हारी पसंद। तुमने तो मुझे सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया इस बार।
खिलौने। थैंक यू सो मच जूली। इनसे मिलो सैम, ये है गोपी और राजू, मेरे सबसे खास दोस्त। हाय सैम, मुझे अपने माइटी एडवेंचर के बारे में हर डिटेल सुनाओ। बिल्कुल राजू, और सबसे पहले राखी टाइम। और तुम्हें पसंद आएगी तुम्हारी राखी। माइटी राजू राखी, थैंक यू जूली, तुम सबसे बेस्ट सिस्टर हो। है नया ग्राहक है, पर ऐसे अजीब कपड़ों में क्यों? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सर? अरे आप ये क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी, रोको इसे। मेरा नाम है मास्टर माइम, मेरे पास नहीं है ज्यादा टाइम। उम्मीद है आपको शो पसंद आया। चलो पुलिस, मेरी शॉप में दिन दहाड़े डकैती हो गई है, जल्दी आइए। वहीं रुक जाओ, वरना। वरना क्या कमिश्नर, हो जाओ मेरे रास्ते से साइड। क्या आपको चाहिए एक मैरीगोराउंड राइड? जल्दी चलो, भाग रहा है, पकड़ो उसे। पुलिस से पीछा कैसे छुड़ाऊं? बहुत हो गया मास्टर माइम, तुम्हारा खेल था, सब लोग पीछे हट जाओ, भागने की कोशिश भी मत करना। कमिश्नर खन्ना ऐसा मजाक नहीं करेंगे, माइटी राजू को मास्टर माइम को रोकना होगा। सुरक्षा कवच के पार नहीं जा सकता, तो उसके ऊपर से तो जा ही सकता हूँ। और मान लो बच्चे, माइटी राजू कभी हार नहीं मानता। तुम्हारा खेल खत्म माय मास्टर। कमिश्नर खन्ना, इन ग्लव्स के साथ ही मास्टर माइंड का सुरक्षा कवच बना रहता है। थैंक यू माइटी राजू। मीठा हो या चटपटा, खाओ सिंह के दुकान पर लो खाने का असली मजा। सेव पूरी, भेल पूरी, पानी पूरी, रगड़ा पेटिस और मिठाई भी है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, पेड़े, जलेबी। रगड़ा पैटिस या मीठी मीठी जलेबियाँ, चटपटी सेव पूरी या रस भरा रसगुल्ला, तुम बच्चों के लिए पहला आइटम खाओ सिंह की तरफ से बिल्कुल फ्री। आइडिया, हम तीन अलग अलग चीज लेकर आपस में शेयर कर लेते हैं, इस तरह हमें अलग अलग चीजों को टेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। सही कहा राजू। खाओ अंकल, हमें एक प्लेट सेव पूरी, एक प्लेट रगड़ा पैटिस, बच्चों पहले इस बच्ची को इसकी आखिरी पानी पूरी तो दे दूं।
भेलपुरी तो मैंने आज तक नहीं खाई। और ये जलेबी तो कितनी मजेदार है। रगड़ा पेटिस का भी जवाब नहीं। आओ यहाँ बैठ कर खाते हैं। देखो कौन आया है मजेदार खाने के बारे में, तुम क्या जानो। दोस्तों कहीं और बैठते हैं ताकि चैन से इस खाने का मजा ले सके। यहाँ बहुत शोर है। सही कहा राजू, कहीं और चलते हैं। बहुत अच्छा बच्चे, खाना वेस्ट हो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी। अपने रसगुल्लों को पकड़ कर रखो बच्चों, उछल उछल कर गिर रहे हैं। दोस्तों बास्केटबॉल के अलग अलग ट्रिक्स देखो। ये तो कुछ भी नहीं, असली बॉल तो इनमें है। डैडी नया कोला लॉन्च करने वाले हैं और मैं आज तुम सबको फ्री कोला दूंगा। ये लो। कोला सेहत के लिए अच्छा नहीं है चार्ली, भले ही वो मुफ्त का क्यों ना हो। कोला मतलब कूल, तुम नहीं समझोगे। हटो। अभी दिखाता हूँ तुम्हें कूल क्या होता है। कूल नहीं खेल है, कूल मतलब स्टाइल, और वो स्टाइल कोला से ही आता है। देखो अब समझ में आया कूल क्या होता है। अब बोलो किस किस को फ्री कोला चाहिए। कोला मतलब वाला गैंग कमजोर पड़ गया।